प्यारे बच्चों नमस्कार। प्योर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग प्योर मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के वीडियो की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, और उसमें जो पहला वीडियो है वो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा से शुरू कर रहे हैं। एंड दैट टॉपिक इज ग्रुप थ्योरी। स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग इस वीडियो में स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप के ऊपर बात करेंगे कि ग्रुप क्या होता है। दूसरा, ग्रुप के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बाइनरी ऑपरेशन है, इसके अलावा जो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स, पोस्टुलेट्स जिन्हें बोलते हैं, उन सब के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे ताकि हम ग्रुप को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक, तो आइए ज़रा स्टूडेंट शुरू करते हैं ग्रुप। और सबसे पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी होगा कि ग्रुप में जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं, जो बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं, बेसिकली वो होते क्या हैं। आइए जरा शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक से शुरू करते हैं। आप लोगों को स्टूडेंट्स सेट्स के बारे में पता है, हमारे पास में कई तरह के सेट्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। हमारे पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, सेट के अंदर नंबर्स होते हैं, अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कई ऑपरेशंस की मदद से ऑपरेट किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रिजल्ट या नया नंबर आता है, जरूरी नहीं है कि वो उसी सेट का एलिमेंट हो स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हम लोग आज पहली डेफिनेशन देखने वाले हैं, दैट डेफिनेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, आइए सबसे पहले इसे समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कोई एक ऑपरेशन सच दैट जो कि किसी सेट, ओके, कोई सेट है, मान लीजिए कि वो सेट जी है, और दूसरा एक और एलिमेंट मतलब जी क्रॉस जी से एक मैपिंग होती है जो जी पर ही जाती है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो किसी सेट के दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करता है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो एलिमेंट भी उसी सेट का हो। आई रिपीट स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एक ऐसे ऑपरेशन से होता है जो कि किसी सेट के ऊपर डिफाइन होता है, और जिस सेट के ऊपर वो डिफाइन होता है स्टूडेंट्स, उसी सेट के दो एलिमेंट्स को वो आपस में ऑपरेट करता है, और उसके बाद जो नया रिजल्ट आता है वो भी अगर उसी सेट का एलिमेंट होता है तो उस ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स, यहां पर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लू, राइट, और इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन लेता हूं प्लस, ये सेट और उसके ऊपर जो भी बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं, जो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को पूरा करते हैं, उनको इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हम लोग दो नेचुरल नंबर लेते हैं 2, 3, तो इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और ये भी क्या होता है, ये भी एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इस एन के साथ में, इस नेचुरल नंबर के साथ में नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन लें, है ना, नेगेटिव ऑपरेशन लें, इसको बाइनरी इस एन के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो स्टूडेंट, दो नेचुरल नंबर को अगर हम लोग डिफरेंस करें तो एक नया नंबर आता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही हो, जैसे -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके लिए जो नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन जो है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, जबकि जो एडिशन है वो n के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, जो डिवाइड साइन है, वो डिवाइड साइन भी, जैसे कि 2/3, तो 2/3 जो है, इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक, तो इसका मतलब ये डिवाइड भी n के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो उसी सेट के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करके उसी का ही दूसरा कोई एलिमेंट दे देता है। और सारे बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे मॉड्यूलस हो, जरूरी नहीं है कि वो जिस सेट के एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं रिजल्ट में भी उसी सेट का एलिमेंट आए। तो
स्टूडेंट्स जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर वो किसी सेट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता है बाइनरी ऑपरेशन की स्टूडेंट्स, तो उस बाइनरी ऑपरेशन को उस सेट के साथ में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं किसी सेट के ऊपर स्टूडेंट्स, उन्हें ही इस तरह से लिखा जाता है। और ऐसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं स्टूडेंट्स, यानी ऐसे सेट जिनके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, उन सेट्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बच्चों? वी सेट देम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये जो n होता है ये प्लस के साथ तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, लेकिन नेगेटिव और डिवाइड के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि जो i है वो प्लस के साथ भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, i जो है वो माइनस के साथ भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, जबकि जो i है वो डिवाइड के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि जो i है वो जो वो मल्टीप्लाई के साथ में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। उसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इन चारों के लिए क्या है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। नाउ ये तो हो गई बच्चों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स आपसे कि ग्रुप क्या होता है बेसिकली। लेकिन ग्रुप में आपको समझाऊं उससे पहले कुछ चीजों के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। कुछ एक्सियम्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या एक्सियम्स होते हैं? दीज आर जैसे क्लोजर, क्लोजर एक्सियम। नंबर टू एसोसिएटिव। नंबर थ्री एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। बल्कि मैं यहां पर ज्यादा भूल गया स्टूडेंट्स, एंड नंबर थ्री कम्यूटेटिव। ठीक, वास्तव में ये जो तीन ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तीन जो एक्सियम्स हैं, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम एंड कम्यूटेटिव एक्सियम, ये वास्तव में किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए होते हैं। ठीक, वो बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। नाउ क्लोजर एक्सियम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? क्लोजर एक्सियम का मतलब ये होता है कि अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग लें और उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के दो एलिमेंट्स को कोई बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ी देर के लिए हम लोग ओ को मान रहे हैं बच्चों बाइनरी ऑपरेशन, अगर हम ओ को बाइनरी ऑपरेशन माने और कोई दो एलिमेंट्स लें ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, और इन ऑपरेशन इसे ऑपरेट करने के बाद जो नया एलिमेंट आए स्टूडेंट्स अगर वो भी जी में है, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ओ इट्स अ closed under the O, right? Sorry, मैं यहां कुछ गलत बोल गया, काट दें और पांच ही। अगर कहते हैं इस ऑपरेशन O के लिए A O B G में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि G is closed under O, और G जो ये जो O हो जाता है स्टूडेंट्स, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है G के लिए। तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो उसमें ये क्लोजर एक्सियम तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होता ही है। और कोई भी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कोई तीन एलिमेंट लें जी के और ए ओ बी सी इज इक्वल्स टू ए ए ओ A O B ऑपरेशन C, मतलब कि B और O को पहले B और C को ऑपरेट करें फिर उसमें A को ऑपरेट करें, ये बराबर होना चाहिए, A और B को पहले ऑपरेट करें और फिर बाद में उनमें C को ऑपरेट करें, यानी A और B के रिजल्ट में C को ऑपरेट करें। तो अगर कोई ऑपरेशन O इस नियम का पालन करता है तो हम कहते हैं कि दैट ऑपरेशन सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एक्सियम।
उसी तरह से अगर ए ओ बी इज इक्वल्स टू बी ओ ए हो जाए, यानी ए और बी का क्रम हम लोग बदल दें, तो अगर कोई ऑपरेशन इस लॉ को, इस कंडीशन को पूरा करता है, तो हम कहते हैं कि दैट बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये तीन एग्जाम्स थे स्टूडेंट्स जो कि किसी बाइनरी ऑपरेशन के विषय में कुछ बताते हैं कि उसमें कौर क्या क्या खासियतें हैं। अब मैं आता हूं स्टूडेंट्स ग्रुप के ऊपर कि ग्रुप वास्तव में होता क्या है। ग्रुप स्टूडेंट्स, ग्रुप लुक स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि जीओ कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक, इट्स अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में ये चार खासियतें हो, कौन कौन सी? नंबर वन कि उसमें क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होना चाहिए। नंबर टू, उसमें एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई होना चाहिए। नंबर थ्री, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ओ, यानी बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिए उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। क्लोजर एक्सियम का मतलब तो बहुत आसान है, आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स क्या, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए ओ बी बिलोंग्स टू जी। यानी कोई भी एलिमेंट ले जी का, तो कोई भी दो एलिमेंट अगर जी के लें तो उनको ऑपरेट करने के बाद नया एलिमेंट भी जी में ही होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जो जी का बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोजर एक्सियम को पूरा करता है। एसोसिएटिव का मतलब तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स, इट्स ए ओ बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए ओ बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी स्टूडेंट्स। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन ओ का मतलब यह है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक एलिमेंट जो जी में है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट a unique element e belongs to g such that a o e is equals to e o a is equals to a and belongs to g। क्या ये तो कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई एलिमेंट ई जी के अंदर इस तरह से जरूर होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के साथ में अगर किसी और एलिमेंट को ई के साथ ऑपरेट करें तो इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। ठीक, यानी कि वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब उसे ई के साथ ऑपरेट करें तो देयर इज नो चेंज। जैसे कि जीरो है, जीरो को किसी भी एलिमेंट में ऐड करो तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो जो जीरो होता है वो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। वन, वन का मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो वन जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है ये ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है और उस सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेट कौन सा है। ठीक, तो ऐसा एक एलिमेंट उस सेट में होना जरूरी है तो हम कहते हैं कि उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एंड नंबर फोर स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी there exist a inverse belongs to g
such that A operation A inverse is equals to A inverse operation A is equals to A, right? तो existence of inverse का मतलब ये होता है students कि हर element जो G के अंदर है उस element A के लिए एक element A inverse भी G में ऐसा होना चाहिए कि अगर उन दोनों को आपस में ऑपरेट कर दें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। मतलब यहाँ पर जो हम लोग ये आइडेंटिटी एलिमेंट ले की बात जो कर रहे थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए कि उस सेट में ऐसा भी एक एलिमेंट होना चाहिए कि उन दोनों को आपस में अगर ऑपरेट कर दो, मतलब हर एक एलिमेंट जो जी के अंदर है उसके लिए एक और एलिमेंट होना चाहिए कि उन दोनों को आपस में ऑपरेट कर दो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। जैसे कि प्लस ऑपरेशन की मैं बात करूंगा बच्चों, तो प्लस ऑपरेशन के लिए जो जीरो होता है वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। मतलब जीरो इज इक्वल्स टू ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और जैसे कि प्लस वन है तो प्लस वन में अगर हम लोग माइनस वन को एड करें तो हमें मिल जाता है जीरो। मतलब कि ये जो प्लस वन है उसके लिए ये जो माइनस वन है इट्स अ इनवर्स एलिमेंट। उसी तरह इस माइनस वन, क्योंकि ये भी क्या कहते हैं इंटीजर है, अगर हम इंटीजर सेट की बात कर रहे हैं तो इस माइनस वन के लिए ये जो प्लस वन है ये इनवर्स एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एलिमेंट क्योंकि आई के हैं और आई जो होता है प्लस, आई के ऊपर जो प्लस होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, और जीरो भी आई का एलिमेंट होता है और माइनस नंबर्स भी आई का एलिमेंट होते हैं। तो वो जो आई है वो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी अपने पास रखता है और इनवर्स भी अपने पास रखता है। ओके, नाउ अगर कोई सेट जी किसी ऑपरेशन ओ के साथ में इन चार कंडीशंस को पूरा करता है तो उसे कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रुप कहते हैं। और अगर इसमें एक प्रॉपर्टी और जोड़ दी जाए क्या, कम्यूटेटिव लॉ है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव एक्सियम क्या है बच्चों? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, this implies that a o b is equals to b o a। अगर a को b के साथ ऑपरेट करें और वही रिजल्ट आए जो b को a के साथ ऑपरेट करने पे आता है तो इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और यदि किसी सेट g, सॉरी किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर g o में ये बाइनरी ऑपरेशन o है, इसके लिए ये पांचों की पांचों कंडीशन पूरी होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों एबेलियन ग्रुप। क्या कहते हैं? एबेलियन ग्रुप। यानी ग्रुप की चार प्रॉपर्टी में अगर एक पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एक्सियम और जुड़ जाए तो उस ग्रुप को हम एबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुई शॉर्ट में ग्रुप की डेफिनेशन, एबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने देखा कि किसी भी सेट को ग्रुप होने के लिए चार कंडीशंस की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, ठीक। यानी कि कोई भी जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी ओ, ये एलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस ऑपरेशन ओ के लिए ग्रुप कहलाता है अगर उसमें ये चार कंडीशंस या चार एक्सियम सेटिस्फाई होती है। पहला था बच्चों क्लोजर, दूसरा था एसोसिएटिव, तीसरा था बच्चों थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ वन था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। स्टूडेंट्स तो इन चार कंडीशनों को अगर कोई भी सेट किसी ऑपरेशन, वो कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस डिवाइड या प्रोडक्ट कुछ भी, तो अगर किसी ऑपरेशन के लिए कोई सेट इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसे ग्रुप कहते हैं। और अगर इसमें ये पांचवी कम्यूटेटिव लॉ
और अगर इसको भी जोड़ दें स्टूडेंट्स तो उसको कहते हैं, ये तो हो गया ग्रुप, और इन पांचों को मिला के बन जाता है बच्चों एबेलिन। ठीक, तो दिस इज द एबेलिन ग्रुप। और अगर कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए केवल एक ही कंडीशन को फॉलो करे, पहली क्लोजर वाली को, तो उसको बोलते हैं बच्चों ग्रुपोइड। क्या बोलते हैं? ग्रुपोइड। और अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के लिए पहली और दूसरी को सेटिस्फाई करे तो उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप, राइट। और अगर कोई सेट पहली, दूसरी और तीसरी को सेटिस्फाई करे तो उसको कहते हैं मोनोइड। ठीक है, और चारों को तो ग्रुप कहते हैं और पांचों को कर दे तो एबेलिन ग्रुप कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको एबेलिन ग्रुप के बारे में बताता हूं स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए हमारे पास में एक सेट ऑफ इंटीजर है, ये सेट ऑफ इंटीजर है R, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये सेट ऑफ इंटीजर इस बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए एक ग्रुप है। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। और आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो पहली प्रॉपर्टी है यानी कि क्लोजर एक्सियम, यस ये एक्सियम यानी इसको G1 भी कहते हैं कभी-कभी, जो क्लोजर एक्सियम है उसमें कंडीशन क्या होती है कि उस सेट के दो एलिमेंट्स को लें और उन पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो उसी सेट का कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। तो आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को जब ऐड करते हैं तो आपको हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो G1 सेटिस्फाई हो गया, ओके। G2 के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या करेंगे? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी स्टूडेंट्स। ठीक, तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी अगर करें तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी का रिजल्ट बी सी में ऐड करें तो वही मिलना चाहिए जो बी सी को ऐड करने पर ए में मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हमें आई में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना होगा जिसके लिए, जिसे किसी भी एलिमेंट में जोड़ दें हम आई के तो हमें वही एलिमेंट मिल जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, For all A belongs to I, there exists an element E, such that there exists an element E such that A plus E is equals to A. तो आप देखेंगे कि E is equals to कितना आ जाएगा? Zero आ जाएगा। और ये जो zero है, ये I का element है। मतलब कि plus binary operation के लिए जो zero होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और वो जीरो इस आई में है। भगवान चालू है, तो ये जीरो एलिमेंट स्टूडेंट्स इस आई में है। सो दैट्स व्हाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आई में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जीरो होता है और वो इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जो भी हो वो उस सेट में होना चाहिए, तो वो जीरो है। एंड थर्ड वन इज, फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी सच दैट, इनवर्स की क्या खासियत होती है कि ए प्लस करें और उसमें हम बी को ऐड करें, यानी बी को ए का इनवर्स तब कहते हैं जब ए में बी को ऐड करें तो क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है, मतलब कि बी इज इक्वल्स टू आएगा माइनस ए, यानी किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होता है उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। जैसे 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? -2, क्योंकि दोनों को ऐड कर देते हैं तो जीरो आ जाता है।
माइनस थ्री का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? प्लस थ्री, क्योंकि दोनों को ऐड कर देते हैं तो जीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट ये सेट ऑफ इंटीजर जो है इन चारों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये जो सेट ऑफ आई है दिस आई, सो दिस इंप्लाई दैट आई प्लस, यानी कि इट सेट ऑफ इंटीजर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप ऑल्सो। और अगर इसमें हम लोग G5 यानी वो अबेलियन वाली जो कंडीशन होती है, एक और कम्यूटेटिव लॉ, उसको अगर देखें बच्चों, तो आप देखेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी ए को बी में जोड़ो चाहे बी को ए में जोड़ो, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होता है प्लस के रिस्पेक्ट में आई के एलिमेंट्स के द्वारा। तो मतलब जो है जो जी है ये, सॉरी जी नॉट जी, ये जो आई प्लस है ये अबेलियन ग्रुप भी है, ठीक है ना? तो दिस इज अबेलियन ग्रुप आल्सो। तो स्टूडेंट्स यहां पर शॉर्ट में हम लोगों ने ग्रुप क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा कि ग्रुप को कैसे प्रूफ किया जाता है किसी भी सेट के लिए। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक सेट ऑफ इंटीजर था जिसको प्लस के रिस्पेक्ट में हमें ग्रुप प्रूफ करना था, तो आई के साथ में प्लस मिलकर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट्स व्हाई दिस आई प्लस इज अ एबेलियन ग्रुप। आप कोई भी ग्रुप या एबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल्स कर रहे हो स्टूडेंट्स, उनमें आप इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन क्या लिया गया है उस पर्टिकुलर सेट के लिए, और आपको उस ऑपरेशन के लिए बेसिकली इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके करते समय ध्यान देना होगा कि जो भी वो ऑपरेशन रहे उस ऑपरेशन के लिए इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट और ये तीन लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए, और उस सेट के जिसको आपको ग्रुप प्रूफ करना है उसके एलिमेंट्स के द्वारा ही ये प्रूफ होना, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आसानी से आप किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ कर पाओगे। तो बेसिकली ग्रुप अपने आप में या अबेलियन ग्रुप स्टूडेंट्स कुछ अपने आप में हुआ नहीं है, बस एक सेट है जो किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में है और कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि किसी भी प्लस माइनस या बाइनरी ऑपरेशन के लिए होती है। तो अगर कोई भी ऑपरेशन उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहेंगे, कभी सेमी ग्रुप कहेंगे, कभी मोनोइड कहेंगे, कभी अबेलियन ग्रुप कहेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर इस टॉपिक के साथ फिर आपके सामने होंगे, बिकॉज ये ग्रुप जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, हम धीरे धीरे इन टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। फिर भी अगर आप इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक में आपको कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।